हेलो किड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे पेपर पपेट बनाया जाता है। पेपर पपेट को हम आगे पेपर एनिमेशन में या स्टॉप मोशन एनिमेशन में यूज़ करेंगे। और उसका पहला स्टेप होता है पेपर पपेट बनाना। आपके पास डाउनलोडेबल पीडीएफ है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, और उसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है बेसिक कुछ शेप बनाने का, जैसे लड़का लड़की, बर्ड, तितली, ऐसे ही कुछ शेप दिए हुए हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ एक सिंपल बर्ड का शेप बनाऊंगा और उसको टोटली आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप्स होते हैं, और आखिर में उसको एनिमेट करके दिखाऊंगा कैसे एनिमेट किया जाएगा। और आखिर में मैं आपको एक आसान टिप्स दूंगा, अगर आपके पास अच्छे कैमरा और स्टैंड, जैसे ये वाला स्टैंड है, ये आपके पास अगर नहीं है तो भी बहुत आसानी से एक सिंपल स्केल, दो बुक के स्टैक और एक मोबाइल फोन से आप ये एनिमेशन बना सकते हैं। और वो स्टेप मैं करके दिखाऊंगा, और उससे पहले हम देखते हैं कि पहले पपेट कैसे बनाया जाता है। ओके, सो ये टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वीडियो के नीचे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, ये प्रिंट कर लीजिए। और बेसिकली इसके ऊपर मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और एक फिक्स शेप के हैं, पर मैं इसके अंदर से एक बर्ड का सेट को फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ अपने सुविधा के अनुसार, अपने स्टाइल से। और फिर इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे बनाऊंगा और फिर देखेंगे आगे के प्रोसेस क्या हैं। तो सिंपली और ये उनके पंख हो गए, दूसरा वाला पंख मैं यहाँ बना लेता हूँ। मैं घुमा के भी बना सकता हूँ क्योंकि काटने के बाद ये सारे पीसेस मैं निकाल लूंगा। तो अब मुझे एक सुंदर सा गर्दन चाहिए। आप चाहे तो इसके बिग्स को भी अलग से बना सकते हैं जिससे कि खुला बंद हो सके, पर मैं इस वर्कशीट को फॉलो करते हुए इसके बिग्स इसके साथ ही बना देता हूँ। इसके साथ मैं इसके आंखें और सर में एक जस्ट डेकोरेशन के लिए कुछ टिक्कियाँ बना देते हैं। ये बॉडी है, ये इसके गर्दन या सर है, और ये दो पंख होंगे। एक पंख का सामने का पार्ट हमारे तरफ होगा, तो इसमें थोड़ा सा डिजाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा। और इसमें पूंछ नहीं दिया हुआ है अलग सा, पर मैं इसका एक पूंछ भी बना लूंगा जो अलग से होंगे, और ये भी थोड़ा बहुत मूव करेंगे। तो ये हमारे पीसेस हैं और अभी मैं इनको कलर करने वाला हूँ एक एक करके। और कलरिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास एकदम बेसिक एक पेस्टल कलर का सेट है जो आप भी यूज़ कर रहे थे, तो मैं इससे इसको कलर करने वाला हूँ।
हम देखेंगे कि एक पंछी कैसे अपने विंग्स को झपक के उड़ता है, और उसी मोशन को हम यहाँ पे नकल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला शॉट देख लीजिए कुबे, थैंक यू। अब हम मानते हैं कि पहले विंग्स दोनों इकट्ठा होंगे और फिर बाहर की तरफ जाएंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे इसके सर को आगे करूँगा और थोड़ा सा हम पूंछ भी मूव करेंगे। तो पहला शॉट अगर लिया जा चुका है तो हम मानते हैं कि दूसरा शॉट थोड़ा सा ये दोनों विंग्स पास होंगे और इसको थोड़ा सा पकड़ के इसके बीक्स को हम थोड़ा आगे कर देंगे और इसके विंग्स को थोड़ा चेंज कर देंगे और एक शॉट के लिए, और ऐसे ऐसे हम जल्दी जल्दी और शॉट करेंगे। ओके तो अगर आपके पास कीमती हाई एंड कोई कैमरा स्टैंड एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है तो भी बहुत आसानी से ये मॉडल आप टेस्ट कर सकते हैं घर, और बहुत ही साधारण सामान से। मैंने दो बॉक्स ले लिए हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दो हाइट देने के लिए इतना एटलीस्ट 1.5 से 2 फीट का हाइट रखिए, जिससे कि कैमरे को काफ़ी सारा स्पेस मिल जाए। आपको एक स्केल चाहिए और एक सिंपल सा मोबाइल कैमरा। मैं एक दोनों बॉक्सेस के ऊपर स्केल को रखूंगा, इससे एक ब्रिज फॉर्म हो जाएगा और मैं अपने मोबाइल कैमरा को इस तरीके से रखूंगा। इसका ऊपरी वाला कैमरा नीचे की तरफ होगा और मैं ऊपर से इसकी स्क्रीन को देख सकता हूं, और फिर मैं देखता हूं इसको रखने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ना हिले, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। और नीचे मेरा सेटअप है, तो सबसे पहले मैं अपने बर्ड को सही कर लेता हूँ और फिर कैमरे से शूट करना मैं दिखाने वाला हूँ। तो मेरा मोबाइल का कैमरा नीचे की तरफ है और मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या दिख रहा है। तो मैं अब थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, तो चीज़ें सिंपल हैं। कैमरा मुझे दिख रहा है और मैं एक शॉट लेता हूँ, एक शॉट हो गया, और फिर मैं इसका कुछ चेंजेस करूँगा जैसे मैंने पिछली बार भी किया, और दूसरा मैं शॉट लूँगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे चेंजेस करता रहूँगा। और मैं इतना ही शॉट करूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने क्या फ़ोटोज़ लिए हैं। तो मेरे फ़ोटोज़ आप अगर आप देखें तो ये सिंपली एक फ़ोटोज़, दूसरा फ़ोटोज़, तीसरा फ़ोटोज़, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, और ये सारे पोजीशन जैसे मैंने पिछले कैमरे के साथ लिया था, ये वही सारे फ़ोटोज़ हैं, वही सारे मोशन हैं। और आगे मैं इन फ़ोटोज़ को फोटोशॉप में जोड़ के एक GIF बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे फोटोज़ कंप्यूटर में ले लेंगे, वहाँ से सबसे पहले क्लीनअप के लिए ये हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। इसके अंदर हम पिक्चर को रिसाइज करेंगे और इसके कलर को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया और इसको ऑटो करेक्ट में डाल के हमने इसका कलर करेक्शन कर लिया, और फिर एक एक इमेज को आप अगर देखें तो पिछले वाले इमेज से काफ़ी बेहतर है। अब मैं क्रॉप करने वाला हूँ,
ये जो क्रॉपिंग है ये ज़रूरी है, जो चार पास के अनचाहे हिस्से हैं उसको हटा दिया जाता है एक ही साथ। और देखिए अब ये और भी साफ़ सुथरा लग रहा है। तो आगे हम इसके रिसाइजिंग करेंगे, मतलब नॉर्मली फ़ोटोज़ काफ़ी हेवी होते हैं तो हम इसके फ़ोटोज़ को थोड़ा लाइट कर लेंगे जिससे कि आगे के काम में आपको आसानी हो। तो अब देखिए हम किस तरीके से ये कर रहे हैं और ओके। तो अभी जो फ़ोटोज़ हैं एकदम लाइट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इस फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप में एडिट करने वाले हैं। तो उसके लिए फ़ोटोशॉप खोल लिया है, यहाँ पे हम एनिमेशन करने वाले हैं। और एनिमेशन के लिए सबसे पहले सारे फ़ोटोज़ को एक ही फाइल के अंदर खोल लेना ज़रूरी है। तो देखिए हम कैसे ये कर रहे हैं। और सारे फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली एक ही फाइल के अंदर आ जाएगा एक लेयर के स्टैक में। अगर आप फ़ोटोशॉप में माहिर हैं तो ये स्टेप आपको समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो स्टेप्स को फॉलो कीजिए और ये अपने आप बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये जो फ़ोटोज़ को एक ही फाइल के अंदर स्टैक में खोल लिया है। अब हम एक ऑप्शन है फ़ोटोशॉप के अंदर जिसको टाइमलाइन बोला जाता है, तो टाइमलाइन के अंदर हम ये खोल लेंगे। टाइमलाइन में हम क्या करेंगे, एक टाइमलाइन में फ्रेम्स होते हैं जो मूवी के फ्रेम्स होते हैं वो रिलेटेड ही मान लीजिए। तो हम टाइमलाइन को एक सर्टेन टाइम पे अपने इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक नया फ्रेम लेंगे और एक लेयर को ऑफ़ कर देंगे। और फिर ये प्रोसेस हम धीरे धीरे दोहराते रहेंगे। देखिए हम एक नया फ्रेम लेंगे और एक लेयर को हम ये आँख से और इसी तरह एक एक करके हम चेंज करते रहेंगे और एक नया लेयर ऑफ करते जाएंगे। एक नया इमेज टाइमलाइन पे एक नया फ्रेम लेंगे और एक इमेज ऑफ करते जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे जो टाइमलाइन है उसमें सारे नए फ्रेम सेट हो जाएंगे। प्ले करके देखेंगे, इसके बाद हम इसको सेव करने वाले हैं। फाइल ऑप्शन पे, फाइल ऑप्शन से जाएंगे सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब में एक नया विंडो आएगा, यहाँ पे हम पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, पर आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में जो है उसी में आपको सेव करना है। और सेव करते ही आपका जो एनिमेशन है वो रेडी हो जाएगा। तो एक नया विंडो खुल जाएगा, यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है और इसको सेव कर देना है। तो देखिए कैसे हम एक फाइल नेम ले रहे हैं और धीरे धीरे ये फाइल ऑटोमेटिकली आप सेव हो जाएगा। आपका एनिमेशन लगभग रेडी है और हम देखेंगे कि एनिमेशन को हम उसके सेविंग लोकेशन से खोलेंगे। और आप इसको वेब ब्राउज़र पे खोलिए, आप इसको पिक्चर व्यूअर पे खोलिए, ये हमेशा ये एनिमेट होता रहेगा। तो ये हो गया आपके फ्लाइंग बर्ड पहला एनिमेशन जो फ्लाइंग बर्ड है। और इसके अलावा एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके भी ये कर सकते हैं और भी आसानी से। तो सबसे पहले आप गूगल में ढूंढिए GIF मेकर ऑनलाइन, और बहुत तरीके के वेबसाइट्स हैं जो लोग ये काम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं, पर जैसे जिफी हो गया, पर ये GIFmaker.me को हम यूज़ करेंगे। इसके लोडिंग ऑप्शन पे इमेज हम सारे लोड कर देंगे। सारे इमेज आ जाने के बाद हम इसके स्पीड और साइज़ को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। जब मुझे लगेगा कि ये एनिमेशन सही लग रहा है देखने में तो हम उसको सेव करेंगे। तो सेव करना भी बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे बटन दबाने के बाद आपको देखेगा कि डाउनलोड GIF, और आप ये
पे करते ही आपके इमेज ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद उसको आप ओपन कीजिए, रीनेम कर लीजिए और इसको आप फिर से चला के देखिए, तो ये भी एक ही तरीके से चलने वाला एक आसान सा सुंदर सा एनिमेशन, GIF एनिमेशन आप बन के रेडी है।